गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को भीषण हादसा हो गया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस्कॉन ब्रिज पर थार और डंपर की टक्कर देखने के लिए जुटी भीड़ को एक तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्कॉन ब्रिज पर गुरुवार तड़के ट्रक ने एक थार SUV को टक्कर मार दी थी। इस हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। हादसे को देखने वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान एक तेज रफ्तार जैगुआर कार पुल पर मौजूद लोगों को रौंदती हुई निकल गई। पुलिस ने बताया कि घायलों में कार चालक सत्या पटेल भी शामिल है। हादसे के बाद इस्कॉन मंदिर के पास फ्लाईओवर को पुलिस ने स्थायी रूप से बंद कर दिया। कृपा पटेल चिकित्सा अधिकारी 16 सिविल अस्पताल ने बताया कि 12 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनमें 9 की मौत हो चुकी थी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जगुआर के ड्राइवर को प्राइवेट सिम्स अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि जगुआर में घायल युवक के अलावा एक और लड़का और लड़की सवार थे। जानकारी के मुताबिक पहला हादसा बुधवार देर रात 1:15 पर हुआ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।